नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। दिल्ली से सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से चलेंगी। पूर्णबंदी के कारण कोरोना वायरस मरीजों के दोगुना होने की दर 3 दिन से बढ़कर 13 दिन से अधिक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग में लगातार वृद्धि करना है। मॉरीशस ने कोविड-19 से निपटने के लिए दवाइयां और 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजने पर भारत को धन्यवाद दिया। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने चक्रवाती तूफान ओमपुन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में 10 अतिरिक्त दल तैनात किए। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय रेल विभाग ने अगले 10 दिन के दौरान देशभर में 2600 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे लगभग 36 लाख लोगों को सुविधा होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने आज नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1 मई से 45 लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थीं। यात्री ट्रेवल किए हैं, ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 35 लाख और 10 लाख, करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं। रेल विभाग और राज्य सरकारों ने श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलाबोरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें, ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। रेल विभाग ने पिछले 23 दिनों में 2600 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 36 लाख फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख तक 15 जोड़ी नई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। रेल विभाग ने इस साल 1 अप्रैल से 22 मई तक 97 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न का परिवहन किया। श्री यादव ने बताया कि 3255 से ज्यादा मालगाड़ियों ने चिकित्सा उपकरण और सामग्री, खाद्य पदार्थ, दूध और संबंधित उत्पादों का परिवहन किया है। श्री यादव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेल विभाग ने लोगों को 47 लाख से ज्यादा मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किए। ये भोजन के पैकेट रेलवे स्टेशनों के नजदीक गरीबों, बच्चों, प्रवासी मजदूरों, फंसे हुए लोगों और जरूरतमंद लोगों में बांटे गए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे कार्यशालाओं में 1,20,000 पीपीई किट और 1,40,000 लीटर सैनिटाइजर बनाया गया। देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को रोकने के लिए 27 मार्च को परामर्श जारी किया था और साथ ही उनको आश्रय, भोजन पैकेट, खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने को कहा था।
अधिकारी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन माध्यमों के जरिए खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की अफवाहों को रोकने के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया गया था। स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें। कुछ कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी, जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहां पे ध्यान रखा जाए। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर शुरू हो जाएंगी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री विमान शुरू में टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। We are fully prepared to take care of the passengers' concerns about disease, their apprehensions about the same. We will ensure that the travel will be done in a very safe and hygienic manner. At Delhi Airport, only Terminal T3 is being used. So it will be a very smooth and state-of-the-art facilities when the passengers will see at Delhi Airport, which will help them. And this will all be done in one Terminal T3. गृह मंत्रालय लॉकडाउन के कारण इस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है। एक रिपोर्ट। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए एयरलाइनों को अलग अलग एंट्री गेट्स, सेल्फ चेक इन मशीन और चेक इन बेस का आवंटन किया गया है। विस्तारा और इंडिगो के यात्री टर्मिनल 3 के गेट संख्या 1 और 2 के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। एयर एशिया और एयर इंडिया के यात्री प्रवेश द्वार 3 और 4 का उपयोग करेंगे। स्पाइस जेट और गो एयर के यात्री गेट संख्या 5 से हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए विषाणुरोधक यूवी मशीनों समेत दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव कदम उठाए हैं। यात्रियों की स्पर्श रहित बोर्डिंग के लिए ऑनलाइन वेब चेक इन को अनिवार्य बनाने के साथ ही स्वचालित बोर्डिंग पास मशीन भी लगाई गई है। यात्रियों को एक ही जगह एकत्रित न होने देने के उद्देश्य से और उनकी यात्रा सहज बनाने हेतु हवाई अड्डे पर खाने पीने और खुदरा दुकानें भी खुली रखी गई हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से देश भर में उड़ान सेवाएं रद्द कर दी गई थीं और सोमवार को लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद इन्हें क्रमबद्ध तरीके से शुरू किया जाना है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत संयुक्त अरब अमारात से 4 और ओमान से 3 विशेष विमानों से आज 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इस मिशन के तहत कल करीब 1200 प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों से स्वदेश वापस लाए गए। वंदे भारत मिशन के तहत एक विमान दुबई में फंसे 177 लोगों को लेकर आज रात 9:30 बजे बेंगलुरु पहुंच रहा है। हवाई अड्डे पर ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे इन लोगों का किसी से संपर्क न हो सके। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए नए प्रबंध किए गए हैं। एयरपोर्ट के एमडी और सीईओ हरि मरार ने जानकारी दी है कि सभी कर्मचारियों को संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा वस्त्र दिए गए हैं। मास्क और अन्य अनावश्यक वस्तुओं को फेंकने के लिए बायो वेस्ट कचरे का डब्बा रखा गया है। यात्रियों के सामान और ट्रॉली को नियमित साफ किया जा रहा है। टच फ्री हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध किया गया है। यात्रियों को दूर दूर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। संक्रमण के रोकथाम के लिए एयरपोर्ट द्वारा ये सभी कदम उठाए गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के फैसले से देश में कोविड 19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड 19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल ने बताया है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड 19 मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी और अब यह दर 13.3 दिन हो गई है। डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था और आज हम हैं 13.3 पे हैं। वो डबलिंग जो 3.5 दिन में हो रही थी वो आज 13.5 दिन में हो रही है। तो स्लो किया गया देश ने मिलकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफी मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि कोविड 19 से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई और जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। डॉक्टर
पाल ने कहा कि 11 करोड़ से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 41.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के 6,654 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई हैं, जिससे अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3,720 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है। ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्सा कर्मियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ली उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे। एम्स नई दिल्ली में 334 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन से भी यह पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने वालों में COVID-19 संक्रमण की आशंका कम है। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं। इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के साथ बातचीत में बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आसान ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देशभर में निर्बाध आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के वित्तीय पहलू के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज न केवल लोगों को तत्काल नकदी उपलब्ध कराएगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग भी बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर सही फैसला किया है और बाजार की उधारी और ऋण चुकाने पर स्वैच्छिक रोक लगाने के निर्णय लिए हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि करीब 5 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट सितंबर में फिर से खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से हुनर हाट बंद पड़े थे और अब लोकल से ग्लोबल नारे के साथ इन्हें फिर से खोला जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में हस्तशिल्प शिल्पी हिस्सा लेंगे। श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट आम लोगों के सशक्तिकरण का माध्यम बन गए हैं और देश भर में 5 लाख से अधिक हस्तशिल्पियों, खानपान विशेषज्ञों और अन्य लोगों को पिछले 5 वर्षों में इनसे रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट बड़े लोकप्रिय हुए हैं और हस्तनिर्मित स्वदेशी वस्तुओं का केंद्र बन गए हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल, जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और लखनऊ समेत कई स्थानों पर हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2,600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। दिल्ली से सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से चलेंगे। पूर्णबंदी के कारण कोरोना वायरस मरीजों के दोगुना होने की दर 3 दिन से बढ़कर 13 दिन से अधिक हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग में लगातार वृद्धि करना है। मॉरीशस ने COVID-19 से निपटने के लिए दवाइयां और 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजने पर भारत को धन्यवाद दिया।
और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने चक्रवाती तूफान ओम्पुन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में 10 अतिरिक्त दल तैनात किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने मॉरिशस के कोविड 19 पर सफलतापूर्वक काबू पाने के लिए श्री जगन्नाथ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच साझा संस्कृति और जीवन मूल्यों पर आधारित विशेष और प्रगाढ़ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुश्किल समय में मॉरिशस के अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। श्री जगन्नाथ ने ऑपरेशन सागर के तहत औषधियों और 14 सदस्यीय चिकित्सा दल के साथ INS केसरी को मॉरिशस भेजने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। इस बीच भारत से आवश्यक दवाओं की दूसरी खेप लेकर INS केसरी आज मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई पहुंचा। इसमें लगभग 10 टन आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं। भारतीय चिकित्सक सहायता दल भी वहां पहुंच गया है। मॉरिशस ने भारत को ये दवाएं और चिकित्सा दल भेजने का अनुरोध किया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षे के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि श्रीलंका उनके नेतृत्व में कोविड-19 से प्रभावी रूप से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी और इसके आर्थिक प्रभावों से निपटने में श्रीलंका की सहायता करता रहेगा। चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में बचाव अभियान के लिए विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के 10 अतिरिक्त दल तैनात किए जाएंगे। इन दलों की आज देर रात तक कोलकाता पहुंच जाने की संभावना है। इससे पहले राज्य सरकार ने अतिरिक्त दलों का अनुरोध किया था। फिलहाल राज्य में तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में NDRF के 26 दल तैनात हैं। 6 जिलों में नए दलों की तैनाती के साथ ही कुल दलों की संख्या 36 हो जाएगी। उधर कोलकाता में आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली के कार्यों में सेना को भी लगाया गया है। सेना की 5 टुकड़ियां नागरिक प्रशासन की सहायता कर रही हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाएं बहाल करने के लिए रेलवे, बंदरगाह और निजी क्षेत्र को भी उपकरण और कार्यदल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और जलापूर्ति बहाल करने के काम में लगभग 1,500 टीमें जुटी हैं। उन्होंने बताया कि तूफान से राज्य को 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 6 जिलों के लगभग 73,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 86 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की तेजी से बढ़ती संख्या के मद्देनजर लोगों, कंपनियों और जानी मानी हस्तियों सहित हर वर्ग की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आह्वान पर लगभग 22,000 लोग कोविड योद्धा के रूप में विभिन्न कार्यों के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। विभिन्न चिकित्सा व्यवसायों से जुड़े 12,000 से अधिक लोगों ने अपनी सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की है और इनमें से अधिकतर रेड जोन में भी तैनाती के लिए तैयार हैं। असम में आज कोरोना वायरस के 70 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक ही दिन में सबसे अधिक हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 258 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने जिला प्रशासन को आगामी बाढ़ से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। श्री सोनोवाल ने प्रशासन को बाढ़ के दौरान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने लोगों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री नव कुमार दोले ने कहा कि इस अवधि के दौरान उन्हें 40 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया है। श्री दोले ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना की पहले किस्त 8,51,000 से अधिक लाभार्थियों को जमा कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक प्रदेश में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य द्वारा 62,00,000 फेस मास्क तैयार किए गए हैं। मानसपति शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। जम्मू कश्मीर में लोग कोरोना वायरस के कारण अपने घरों में ही रह रहे हैं और शबे कद्र तथा जुमातुल विदा से जुड़े किसी भी धार्मिक आयोजन में भाग नहीं ले रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लोग सुरक्षित दूरी और समय समय पर जारी सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं।
कोविड 19 महामारी के मद्देनजर जमात उल विदा के पावन अवसर पर कश्मीर घाटी में किसी भी प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया गया। जमात उल विदा पवित्र रमजान महीने की आखिरी जुमा होती है और लोग मस्जिदों में प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हैं, मगर इस साल प्रशासन और धर्मगुरुओं की सलाह पर वे अपने घरों के अंदर ही रहे ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। श्रीनगर के पुराने शहर के इलाके में दरगाह हजरत बल और जामिया मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को महामारी के मद्देनजर एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। हालांकि लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में ढील दी है जहां बाजार खुले थे और लोगों को ईद उल फितर से पहले जरूरी सामान खरीदते देखा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इस बीच जम्मू कश्मीर में मूल निवास संबंधी नए नियमों की अधिसूचना के बाद सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 11,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने का विज्ञापन जारी करने का फैसला किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि मूल निवासियों के लिए भर्तियों की पारदर्शी प्रक्रिया तेज करें। सरकार ने कहा है कि विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं, एकल माताओं और उन परिवारों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जिनके घरों में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फॉर्म भरते वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगी, अलबत्ता ये सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद ही आवश्यक होगी। पहले चरण में 19 विभागों में 7,000 से अधिक पदों को जून में विज्ञापित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वे बेरोजगारी की स्थिति से अवगत है और ये भर्ती इस संबंध में एक मुख्य प्रयास है। नसीर राठिर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे कारगिल के लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्रीनगर में फंसे यात्रियों, रोगियों और छात्रों को भी निकालने का काम लगभग पूरा हो गया है। श्रीनगर में फंसे लद्दाख के 3,000 से ज्यादा यात्रियों को भी निकाला गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 10वीं की परीक्षा 8 जून से होगी। इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सक और मेडिसिन सहित उच्च शिक्षा के विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जुलाई से होगी। उत्तर प्रदेश में प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए राज्य प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों को सतर्क रहने और फसलों को बचाने के पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है। किसानों से खेतों की मेढ़ों पर खरपतवार साफ करने और खाली पड़े खेतों को जोतने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ गडीरास क्षेत्र में उस समय हुई जब इन माओवादियों का सुराग मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स का एक दल क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। पुलिस ने घटनास्थल से 2 पिस्तौल और 1 राइफल भी बरामद की। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के एक किसान हरिराम बंसल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त किया। हरिराम ने इस पहल के लिए सरकार को ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि लॉकडाउन के दौरान इससे काफी राहत मिली। मैं ग्राम कदारी का रहने वाला हूं। मेरा नाम हरिराम बंसल है। जो पैसे सरकार द्वारा आए हुए हैं 2,000 रूपये पहली किस्त मिल चुकी है और दूसरी भी आ चुकी है। किसी प्रकार से सरकार हमको सहायता देती है, धन्यवाद। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो में भीड़भाड़ वाली एक रेलगाड़ी दिखाई जा रही है और इसे श्रमिक विशेष रेलगाड़ी बताया जा रहा है जिसमें प्रवासी मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय के एक फैक्ट चेक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि ये वीडियो 2018 में बांग्लादेश में चल रही एक रेलगाड़ी का है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 0112331444 और 1800115767। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड 19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है।
भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉ केशवनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड 19 का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। WHO का कहना है कि कम से कम 18 महीने लगेंगे एक अच्छा वैक्सीन सारे दुनिया के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स में कई सारे स्टेजेस हैं और दूसरा मास प्रोडक्शन। ये देखिए, ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए है, सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को। भारी मात्रा में वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने चेतावनी जारी की है कि कोविड 19 के कारण नियमित रूप से होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा के कारण एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। इस वर्ष मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अस्थायी तौर पर टीकाकरण अभियान रोकने का सुझाव दिया था, लेकिन WHO ने अब इसे फिर से शुरू करने के बारे में देशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता सलमान खान ने कोविड 19 से बचने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी का पालन करने और अफवाहें नहीं फैलाने की अपील की। ये जो गवर्नमेंट है, ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सबके लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा, ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा, आर्थिक सहायता, भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। देश भर में 156,000 डाकघर हैं और संकट की इस घड़ी में डाक विभाग कोरोना योद्धा बनकर उभरा है। देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। 2000 टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 85 लाख लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है। वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खातों में 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कई राज्यों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने कोयम्बटूर के केंद्रीय वन आनुवांशिकी और वृक्ष पुनरुत्पत्ति संस्थान द्वारा आयोजित डिजिटल परिचर्चा में हिस्सा लिया। ये परिचर्चा इस वर्ष के जैव विविधता दिवस के मुख्य विषय प्रकृति को लाभदायक बनाने के तरीके पर केंद्रित थी। इसमें कोविड 19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। जाने माने पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ कन्नन वाटिया ने केरल के पारंपरिक वनवाटिका के बारे में बताया, जो जैव विविधता संरक्षण का विशेष उदाहरण है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कल भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दक्षिण में चेन्नई का रुख करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर के मौसम का पूर्वानुमान है कि जम्मू में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है, वहीं न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। जम्मू में आमतौर पर शाम और रात के समय बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में भी बादल छाए रहने के साथ अनुमान व्यक्त किया गया है तेज बौछारों का। पारा 27 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में अधिकांश समय बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन शाम या रात के समय बादल छाने की संभावना है। पारा 22 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। चंद्रिका जोशी, समाचार कक्ष। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल विभाग 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2,600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। दिल्ली से सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से चलेंगी। पूर्णबंदी के कारण कोरोना वायरस मरीजों के दोगुना होने की दर 3 दिन से बढ़कर 13 दिन से अधिक हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग में लगातार वृद्धि करना है। मॉरीशस ने कोविड 19 से निपटने के लिए दवाइयां और 14 सदस्यीय चिकित्सा दल भेजने पर भारत को धन्यवाद दिया। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने चक्रवाती तूफान ओम्पुन से प्रभावित पश्चिम बंगाल में 10 अतिरिक्त दल तैनात किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।